हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड, मींस वो ऐसा पर्सन जो साउंड माइंड हो, मींस मेंटली एक्टिव हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। और दूसरा क्या पॉइंट है, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मींस डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ, ठीक है। सेकेंड हमारा है, अ पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट मींस इनकैपेबल है टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग। अब पहला है माइनर। माइनर जो है वो इनकैपेबल होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। माइनर कौन होता है, जो 18 ईयर्स से कंप्लीट नहीं किया होता है जिसने, उसे कहते हैं माइनर। माइनर्स अग्रीमेंट, अब किन किन तरह के अग्रीमेंट्स हैं, एन अग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो, मींस कि एट द बिगनिंग कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले वो पहले ही वॉइड कहलाया गया है बाय द आई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड नो रेक्टिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, मींस कि अब जो रेटिफिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट, मींस एक्सेप्टेंस मींस एक्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता है वो माइनर को। अ माइनर अग्रीमेंट बीइंग अवॉइड, जो बात पहले लिखी थी, जो भी मतलब एग्जिस्टेंस, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे बिजनेस लॉ के तहत। थर्ड पॉइंट है माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स मींस माइनर बन सकता है, एक पार्टनर बन सकता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अग्रीड टू मेक अ पार्टनर, मींस अगर उसे सारे पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले से ही पार्टनर है, वो अग्री कर रहे हैं इस बात से कि वो माइनर पार्टनर आना चाहिए, तो वो आ सकता है। दिस शेयर्स ऑल द प्रॉफिट्स, वो ऑल द प्रॉफिट्स एंड हिज पोर्शन वो सब शेयर करेगा, बट ही इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द फॉर्म। वो किसी भी ऑब्लिगेशन, जो फॉर्म की ऑब्लिगेशन है ना, उसके लिए कभी भी लायबल नहीं होगा। फोर्थ है बेनिफिशियल अग्रीमेंट फॉर आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस द कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनर। कोर्ट हमेशा प्रोटेक्ट करती है माइनर्स को, और अगर किसी तरह का कोई बेनिफिट हो रहा है उस अग्रीमेंट से, माइनर और माइनर ने जो अग्रीमेंट किया है ना, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, तो वो वैलिड कहलाया जाएगा। कोर्ट का मतलब ये है। फिफ्थ पॉइंट है कि माइनर एजेंट क्या होता है। माइनर एजेंट मतलब एक मिडल मैन। जैसे हम कभी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, हम सीधा लैंडलॉर्ड के पास तो नहीं जाते हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर मींस एक तरह का मिडल मैन। तो माइनर भी एक एजेंट हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो प्रिंसिपल मींस जिसने एक एजेंट रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो जो प्रिंसिपल है वो कभी भी अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी मींस अगर वो परफॉर्मेंस करने से फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, तो कभी भी एक माइनर एजेंट लायबल नहीं होगा, पर्सनली लायबल नहीं होगा। सिक्स्थ है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, मींस अ माइनर कैन नॉट बी एडजस्टेड एंड इंसॉल्वेंट, मींस उसे कभी भी हम इंसॉल्वेंट नहीं कहेंगे, बिकॉज उसे कभी डेट्स अपने पे ऑफ करने ही नहीं पड़ेंगे, बिकॉज वो सारे के सारे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट करेगा, किसी मतलब प्रॉफिट्स को शेयर करेगा सारे, मतलब मिलके बांट करके प्रॉफिट्स लेंगे, बट कभी भी वो लॉस बेयर नहीं करेगा, और कभी भी वो पर्सनली लायबल नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी पर्सनल एसेट्स हैं उसके लिए कभी भी लायबल नहीं होगा। पोजीशन ऑफ माइनर्स पर इज पेरेंट्स, अब पेरेंट्स जो होंगे माइनर्स के, उनकी क्या पोजीशन होगी, उनके क्या राइट्स होंगे। अगर कोई माइनर अपने आप से ही अग्रीमेंट करता है बिना अपने पेरेंट्स को बताए, और अग्रीमेंट करता है इस बात का कि किसी भी तरह की परफॉर्मेंस करना चाहता है, तो कभी भी पेरेंट्स कभी भी उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे। अगर लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर पेरेंट्स ही खुद ही एक एजेंट बनाते हैं अपने चाइल्ड को, अपने सन या डॉटर को ही बनाते हैं एजेंट, तब वो लायबल हैं। तो वो साफ सी सीधी सी बात है कि ऐसा होगा, क्योंकि पेरेंट्स ही इस केस में एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो अब जैसे माइनर, अब एट्थ पॉइंट है माइनर शेयर होल्डर्स. माइनर शेयर होल्डर का मतलब माइनर भी शेयर होल्डर हो सकता है, नहीं हो सकता वैसे तो, लेकिन कुछ ऐसी केसेस हैं जिसमें वो एक शेयर होल्डर मान सकते हैं. अब क्या है, जैसे अगर बिना मतलब अवेयर नहीं थी कंपनी, उन्हें पता नहीं था कि हमने शेयर्स जिनको बेचे हैं वो शेयर होल्डर एक माइनर है, तो उस केस में क्या होगा, वो चाहें तो उससे ले सकते हैं, शेयर्स वापस ले सकते हैं और चाहें तो उसे दे सकते हैं. लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो फॉर्म की जितनी भी ऑब्लिगेशंस होंगी उनके लिए कभी भी वो लायबल नहीं होगा. और अगर वैसे जैसे माइनर था पहले, अब आगे जाकर के वो अब 18 प्लस हो गया और वो चाहे तो अपने शेयर्स वापस ले सकता है. ये ऑप्शंस है दोनों ही, फॉर्म के लिए भी और एक माइनर के लिए भी जो अब मेजर हो गया है. अब ये नाइन्थ पॉइंट है श्योरिटी फॉर अ माइनर. मींस अगर जैसे कोई श्योरिटी ले रहा है इन द बिहाफ ऑफ द माइनर, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो सीधा श्योरिटी के कॉलर पकड़ेगा, ना कि माइनर. माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा. वो जहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो वो श्योरिटी वाले का वो कॉलर पकड़ेगा कि तूने बोला था कि ये सही है, तूने श्योरिटी दी थी इसकी. वो माइनर को कुछ नहीं बोल सकता. और मोर्टगेजेस सेल्स इन फेवर ऑफ माइनर. अगर माइनर ने सेल करी है या मोर्टगेजेस मींस गिरवी में कुछ रखने के लिए कहा है, तो अगर उससे कोई वैसे तो ये वॉइड है कि माइनर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके लिए कोई बेनिफिट्स हैं, मींस उसे कोई कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फेवर ऑफ माइनर, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप इसे मतलब पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर में है किसके, माइनर के. अब इसका सेकंड पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसेनिटी. मींस जो मतलब अनसाउंड माइंड है, जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर रखा है बाय एट द बिगनिंग, मींस उन्हें पहले ही वॉइड कह दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. तो जैसे अनसाउंड माइंड है, जो मेंटली एक्टिव नहीं होते हैं, या फिर जिनमें मतलब जो इतने सही नहीं है, मेंटली सही नहीं है, उन्हें हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप करिए हमारे साथ. उन्हें हम अनसाउंड माइंड वाले पर्सन कहेंगे. और जैसे इसमें लिखा हुआ है देयर आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. मीन इन्हें तो हमने पहले से ही कंसिडर कर दिया है कि ये हमारे साउंड माइंड पर्सन नहीं है. जैसे इडियट, लुनेटिक या फिर ड्रंकर्ड्स, उन्हें हम पहले ही कह देते हैं कि आप हमारे लिए साउंड माइंड पर्सन नहीं है. अब जैसे बात आती है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ, अदर लॉ की वजह से वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो क्या है, एलियन एनिमीज. एलियन कौन होते हैं, जो हमारे कंट्री, हमारे इंडिया कंट्री के सिटीजनशिप में नहीं होते हैं, उन्हें हम एलियन कहते हैं. अब क्या हुआ कि कोई दूसरी कंट्री के लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट क्या हुआ, उसी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो उसके बीच में क्या हुआ कि दूसरी कंट्री और हमारी कंट्री में वॉर हो गई, जो उस कंट्री का बिलोंग करता था वो इंसान जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उसी क्या कहेंगे, एलियन एनिमी. तो ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी अगर हम करते हैं तो उसे हम इलीगल माना जाता है और वो नो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे लिए. और जो एलियन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी. तो इसका मतलब एलियन फ्रेंड जो है, जो हमारे साथ घुल मिल करके हमारी कंट्रीज के साथ, हमारे कंट्री के साथ रह रहे हैं इन द पीस, एंड जो हमारे साथ एलियन एनिमी, जो हमारे साथ वॉर बिटवीन द इंडिया एंड द अनदर कंट्री. तो जैसे सेकेंड पॉइंट इसका है फॉरेन सोवर्जन एंड एम्बेसडर्स. अगर ये लोग भी आकर के हमारे इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे इंडियंस के साथ, तो क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उन्हें भी और हमें भी, तो इस वजह से उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. कॉरपोरेशन मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. जैसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स होती हैं बाहर की कंट्री की होती हैं और वो हमारे साथ इंडिया में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें भी मना कर दिया बिकॉज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो हम अपने लॉ के हिसाब से चलेंगे, वो अपने लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इन्हें भी मना कर दिया गया है, आप डिस्क्वालीफाई हैं बाय एनी अदर लॉ की वजह से. और कन्विक्ट, जो जेलर है, जो गुनाहों की सज़ा काट रहा है, उन्हें हम नहीं बोल सकते कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, और वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं
इंसॉल्वेंट जिन्होंने रिटर्न में लिख दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं किसी तरह का भी कोई भी पैसे पे ऑफ नहीं कर सकता, तो जब कंसिडरेशन ही नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। इस वजह से इसे इन्हें भी मना कर दिया गया है, हमारे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आई होप सो गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और हम नेक्स्ट चैप्टर फ्री कंसेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।